ये समुद्र का जो बंदरगाह होता है ना अंदर देखिएगा ना बहुत अंदर बनाया रहा है रेलवे लाइन के बगल में यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क बना देगा इधर से बना देगा बंदरगाह बंदरगाह को जानबूझ के अंदर बढ़ाना पड़ा क्योंकि अगर यहाँ बनाता ना तो समुद्री तल का एक तय लेवल से ऊपर उठ जाना ज्वार अब आप जाना अंग्रेजी में टाइड एंड ईव टाइड एंड ईव टाइड एंड ईव किसी को दिक्कत नहीं वो वाला नहीं चौंक गए वो वाला नहीं है वो तो सरफ है इंडिया में सक्सेस नहीं हुआ उतना आगे बढ़े वो चौक गए वाला नहीं है देखिए समुद्री तल का एक तय लेवल से ऊपर उठ जाना ज्वार अब वापस जाना भाट ज्वार और भाट याद रहेगा ना कोई भी समुद्र का जो लेवल होता है वो जैसे ये यहाँ घर वगैरह और इसमें पानी है तो समुद्र का लेवल यहां पे है अगर ये समुद्र का नॉर्मल लेवल है ठीक है और अगर समुद्र का लेवल इससे ऊपर उठ के यहां चला आता है तो ये क्या हो जाता है ज्वार यहां चलाया तो ज्वार और नीचे लौट के यहां चला गया तो भाटा नीचे चला गया तो भाटा समझ में आ गया कि नहीं गया ज्वार भाटा ज्वार और भाटा 24 घंटे में दो बार आते हैं 24 घंटे में कितनी बार आएंगे दो दो बार जब ज्वार आएगा ना तो दो चार घंटा तक समुंद्र का पानी बहुत आगे आ गया है बहुत आगे आ जाएगा बहुत आगे अब फिर जब वापस जाएगा तो तीन चार घंटा के लिए वापस चल जाएगा अपना जो नॉर्मल जगह जैसे आपका बाढ़ देखें बाढ़ समुद्र जो नदियों में बाढ़ आता है तो सीजन बाई सीजन आता है तो बाढ़ में कैसे पानी बढ़ जाता है अब फिर वापस नदी अपने जगह पर चली जाती है तो वैसे ही ज्वार में पानी बढ़ेगा और फिर घट जाएगा तो समुद्र के किनारे जाइएगा ना 24 घंटे में कितनी बार आएगा दो जब वहां घूमने जाइएगा तो जब जब कभी भाटा आया रहेगा तो समुद्र का पानी कहां आ जाएगा नीचे चला जाएगा तो लोग उसमें मोती या कुछ कुछ बीनने चले जाते हैं तो जो लोकल लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि वापस ज्वारक कब आने वाला है आ, आप चल जाइएगा उन्हें मोती बीनने तो फिर अगले दिन आपको बीनने लोग आएंगे नगर निगम वाले <laughs> हाँ मछुआरा जब आएगा तो उनको आइडिया होता है कब आएगा ज्वार और कब आएगा भाटा समझ में आएगा समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार तो वापस चल जाना समझ समझा कि नहीं आ गया ज्वार और भाटा ज्वार से फायदा भी होता है समुद्री जल जब ऊपर आता है तो बहुत सारी मछलियों को लेकर चला आता है जो समुद्री रत्न वगैरह हैं मोती पत्थर ये सबको क्या करता है आगे ले आ देता है और फिर वापस चला जाता है क्या हो जाता है वापस चला मछली के लिए आसान हो जाता है समुद्री जो जहाजें होती हैं उनको बंदरगाह पर लाने के लिए ज्वार आना जरूरी है ज्वार आ गया तो समुद्र लेवल ऊपर उठ जाएगा बड़ी जहाजें और आराम से चली जाएंगे और नहीं अगर ज्वार नहीं आया तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा बंदरगाह को सीमेंट गिट्टी बालू जोड़ के पिलर डाल डाल के समुद्र के अंदर ले जाके थोड़ा बनाना पड़ेगा ताकि ज्वार भाटा भी आए तो एटलीस्ट उतना दूर पे पानी अवेलेबल रहे क्योंकि भाटा में पानी भाग जाता है इसलिए समुद्र का जो बंदरगाह होता है ना अंदर देखिएगा ना बहुत अंदर बनाया रहता है प्लेटफॉर्म टाइप का बनाएगा इस जो वो होते हैं ना आपका पहले इधर तक तो रेलवे लाइन बना देगा रेलवे लाइन हो गया मालगाड़ियों के लिए इधर बना दिया क्या चीज अपना रेलवे लाइन इस इसे कंटेनर जाएगा और रेलवे लाइन के बगल में यहां पे लॉजिस्टिक पार्क बना देगा ये हो गया आपका लॉजिस्टिक पार्क आई लॉजिस्टिक पार्क में लाइन से क्या खड़ा रहेगा कंटेनर लाइन से कंटेनर खड़ा हो गया यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क में अब इधर से बना देगा बंदरगाह ये हो गया बंदरगाह बहुत बड़ा सा ये क्या हो जाएगा बंदरगाह बंदरगाह पे यहाँ देगा लाइन से समझा गया पानी वाली जहाज को आके खड़ा होना है इसके नीचे खड़ी हो जाए इसे क्रेन से उतार के यहां रखेगा सारा लाइन से इसे जहाज खड़ा कर देगा इसे पानी वाली जहाजों को बहुत बड़ा बनाना पड़ता है समझ में आ गया कि नहीं अब बताइए ये बंदरगाह को जान बूझ के अंदर बढ़ाना पड़ा है यहाँ पे क्योंकि अगर यहाँ बनाता ना तो ज्वार के समय पानी आता अब भाटा के समय भाग जाता कभी कभी भाटा के समय भाग जाएगा तो बंदरगाहों को क्या करना पड़ता है एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है जैसे भाटा के समय क्या हो जाएगा पनिए भाग जाएगा इधर क्या भरा मान के चलिए इधर हम पानी भर देते हैं तो बंदर जब भाटा आएगा तो पानी भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा इसलिए समुद्री बंदरगाह को हम लोग उस लेवल पर बनाते हैं ज्वार के लेवल पर बनाना चाहिए कि भाटा के लेवल ज्वार के लेवल में भाग जाएगा पनिए भाग जाएगा फिर आपको तब जहाज जा आने में दिक्कत होगी तो इसमें क्या करना पड़ता है एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है यहां से एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म ऐसे जोड़ दीजिए यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आप यहाँ पे क्रेन लगाइए बड़ा बड़ा क्रेन रहता है यहाँ पे समझ आ गया अगर पानी का लेवल भाग गया तो छोटी जहाज यहां आ सकती है लेकिन बड़ी जहाज नहीं आ पाएगी तो बड़ी जहाज को उस समय कहां लगाना पड़ेगा यहाँ लगाना पड़ेगा तो यहाँ उतारिए यहाँ से ट्रक लेके जाएंगे सर कहाँ पे लॉजिस्टिक पे लॉजिस्टिक वाला कहाँ ला देगा ट्रेन पे और ट्रेन वाला जहाँ तहाँ पहुँचा देगा अक्सर देखते होंगे ट्रेन पे कंटेनर जा रहा होता है तो खर्चा क्या हो जाता है बहुत बढ़ जाता है टाइम कितना लगता होगा टाइम लगता होगा भाई